वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको हम बताएंगे ग्रेविटी मीटर के बारे में। ग्रेविटी मीटर क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है ग्रेविटी मीटर। ग्रेविटी मीटर को हम लोग कैसे चलाएँगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक है, इसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसे क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के बाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ग्रेविटी मीटर। दोस्तों, ग्रेविटी मीटर में हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के एसिड को हम लोग इसमें फिल करते हैं, यानी खींचते हैं इसमें, और खींचने के बाद हम लोग इसमें चेक करते हैं कि बैटरी की ग्रेविटी कितनी है। दोस्तों, ये हाइड्रोमीटर भी इसको कहा जाता है। इस ग्रेविटी मीटर से हम लोग एसिड की, बैटरी की एसिड चेक करेंगे, एसिड के हिसाब से हम लोग मालूम कर लेंगे बैटरी अच्छी है या सही नहीं है, या फिर बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था हम लोग चेक कर सकते हैं, यानी कि बैटरी फुल चार्ज है या नहीं और ये फुल डिस्चार्ज है कि नहीं, यहाँ पर इस मीटर से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी की ये स्केल है, इस स्केल से ही हम लोग बैटरी को चेक करते हैं, बैटरी की अवस्था क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, बैटरी में जो है हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड होता है और उसमें जो है आपका पानी होता है। तो दोस्तों, इसमें पानी और आपका जो है एसिड मिलाकर इसमें जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है 1.835, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 1 है, ये इतना जो 1 पॉइंट जो होता है वो आपका वाटर होता है, ठीक है, यानी कि डिस्टिल वाटर होता है इसमें, और इसके बाद पॉइंट जो है 83 होता है आपका एसिड का जो है ग्रेविटी होता है। तो यहाँ पे जो है 1.83.84, ठीक है दोस्तों, एसिड की जो वैल्यू होती है इसमें 84 ग्रेविटी होती है। तो इस हिसाब से हम लोग बैटरी का ग्रेविटी चेक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू आपका दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 1100 है, 1120, 1140, 1160, 1180, यहाँ पे 1200, 1220, 1240, 1260, 1280, 1300, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग बैटरी को चेक करेंगे और समझेंगे बैटरी की बैटरी चार्ज है या नहीं चार्ज है या फिर डिस्चार्ज है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अवस्था 1100 से लेके आपका 1150, यानी कि 12 से नीचे रहेगा इस अवस्था में तो ये आपकी बैटरी डिस्चार्ज मानी जाती है, ठीक है, ये बैटरी आपकी डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज है, इसकी चार्जिंग की ज़रूरत है, और 1200 से लेके 1250 तक इस अवस्था में रहेगी बैटरी, तो आपकी जो है बैटरी चार्ज है, मैंने की अच्छी बैटरी है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं 1250 के बाद 1300 तक रहेगी बैटरी, तो ये ओवर चार्जिंग है, यानी कि बैटरी ओवर चार्ज हो रही है, बैटरी की लाइफ जल्दी ख़राब हो सकती है, ठीक है, तो इससे ऊपर नहीं जाना है, यानी कि यहाँ पे 1250 से 1260 तक तो बैटरी चार्ज कर सकते हैं, इसको ऊपर बैटरी को चार्ज नहीं करना चाहिए, बैटरी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपको समझना है, यहाँ तक आपका बैटरी ओवर चार्ज रहेगी, यहाँ से आपको बैटरी ठीक है, यानी कि इन्वर्टर से भी वो चार्जिंग कर लेगी और बैटरी ओके मानी जाती है। सभी सेल में आपके एक की वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, किसी में कम किसी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी में ज़्यादा है किसी में कम है तो इसके लिए आपको बैटरी को एक बार चार्ज करनी चाहिए। चार्ज करने के बाद में कम से कम आपको 12 घंटे चार्ज लगाइएगा, और अगर लाइट रेगुलर नहीं रहती तो कुछ में 24 घंटे बैटरी को चार्ज लगाना है। लगाने के बाद अब फिर से आपको चेक करना है सेल टू सेल ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी सभी में सही आ रहे हैं तो बैटरी ओके हो सकती है, और उसके बाद आपको लोड लेके चेक करना होता है। यहाँ से यहाँ तक व्यवस्था रहेगा समझिए बैटरी अपनी डिस्चार्ज है, उसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी की 6 सेल होती है, कुछ इस प्रकार होते हैं। तो हम लोग क्या है इसको चेक करेंगे ग्रेविटी मीटर से, ग्रेविटी मीटर से यहाँ पर हम चेक करें इसमें, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1200 दिखा रही है ग्रेविटी आपकी, तो इस बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी इस सेल के, इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है 1200 यहाँ पे ग्रेविटी इसका मिला है। दोस्तों, 1200 रहने पर इसकी ग्रेविटी होगी कितनी, यहाँ पर 1.2 होगी, ठीक है, यहाँ पर 1100 है तो यहाँ पर होगा आपका 1.1, ठीक है, यहाँ इसके बाद में 1.120 होगा, और इसके बाद में ग्रेविटी है। दोस्तों, यहाँ पे 1200 है तो वही अब आपका हो जाएगा 1.2, यहाँ पर देख सकते हैं 1300 तो 1.3 हो जाएगा।
हिसाब से ग्रेविटी हम लोग कहते हैं। एक्चुअली हम लोग 1200 कहते हैं, 1200 नहीं कहा जाता, ये 1.2 कहा जाता है ग्रेविटी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 20 यानी कि 1200 मिल रहा है, इस सेल की जो है वोल्टेज कितनी होगी हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे कितना, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को प्लस करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे एसिड की, यहाँ पे 0.84 होगा, ठीक है, देख सकते हैं यह पॉइंट है, यहाँ पे 0.84 या फिर 84 कर सकते हैं, इसकी जो है आपके वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है आपका 1200 यानी कि 1.200 ये 1200 हो गया, इसको प्लस कर लेंगे हम लोग, प्लस कितने करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं 0.84, इसे मैंने बताई थी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है इसका। अब यहाँ बराबर कर लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे इस सेल की जो वोल्टेज आपकी आएगी कितनी, इसकी आ जाएगी 2.04 यहाँ पे आ गई। अब दोस्तों एक सेल में आपकी इतनी वोल्टेज है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 सेल से, क्योंकि 6 सेल की इसकी वैल्यू होगी, तो बराबर कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर ले लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 सेल से, ठीक है, 6 से बराबर यहाँ पे आपके वोल्टेज में मिल जाएगी आपको 6 सेल में 12.24, इसे देख सकते हैं आप 12.24 यहाँ पे वोल्टेज आपको मिल जाएगी 6 सेल की। अब लेकिन दोस्तों ये बैटरी फुल चार्ज नहीं है, फुल चार्ज बैटरी मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे आपको 1250 होना चाहिए, तो हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। ऐसे मान लीजिए इसमें आपको 1250 मिल गया, ठीक है, 1250 आपको हाइड्रोमीटर से वैल्यू मिल जा रही है। अगर आपको इसमें एसिड खींच रहे हैं स्पीड में जो है पानी खींचने पर इसमें वैल्यू दिखाएगी, अगर मान लीजिए 1250 दिखा दिया, इस सेल की वैल्यू कितनी वोल्ट कितनी होगी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम लोग 0 कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 1250, तो यहाँ पर 1.250 होगा 1250, इसको हम लोग प्लस कर लेंगे 0.84, ठीक है 0.84 है इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी, बराबर कर लेंगे यहाँ पर देखते हैं 2.09 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2.09 है तो मल्टीप्लाई 6 सेल से कर लेंगे, 6 सेल है इसमें सेल है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आपकी आ जाएगी माइनस है, इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.84 था, यहाँ पे कितना आया था 2.09 आया था, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 6 सेल से, यहाँ पे कितना आ जाएगी 1254, यानी कि 12.5 वोल्ट के ऊपर अगर बैटरी चार्ज में आपको चार्ज करने के बाद में अगर ओपन कर देने ओपन सर्किट, ठीक है, इसमें कोई लोड नहीं रहेगा, उस स्पीड में इतना वोल्ट अगर दिखा रहा है आपको सभी सेल में मीटर के द्वारा, तो आप समझे कि बैटरी फुल चार्ज है, ठीक है। अगर उससे कम दिखा रही है तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है 1250 तक बैटरी फुल चार्ज मानी जाती है। तो इस 1250 ग्रेविटी एक सेल में दिखा रहा है आपको और सभी सेल में इतना दिखा रहा है, तो आपको सभी मिला के जो है आपको 12.54 वोल्ट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, तब ये बैटरी फुल चार्ज मानी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह आप बैटरी में अनुमान लगा सकते हैं एक सेल में कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, सभी सेल को प्लस करके आप वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो है आपको बैटरी कभी भी चेक करेंगे तो आपको बैटरी की जो है इसकी जो ग्रेविटी दिखा रही है 1200 है, तो इसमें भी 1200 होना चाहिए, इसमें भी 1200 होना चाहिए, इसमें भी 1200 होना चाहिए, 1200 और इसमें भी 1200, 1200 होने पर समझिए बैटरी ओके हो सकता है, फिर भी इसके बाद बैटरी को आपको चार्ज करके चेक करना है 1250 हो जाए। अब मान लीजिए बैटरी आप चार्ज किए हैं, किसी में आपको 1250 हो गया, किसी में 1100 है, तो वो सेल आपकी ख़राब मानी जाती है, ठीक है, तो 1250 दिखा रहा है, बाकी सब आपका जो है कम डिस्चार्ज है सभी सेल, यानी कि ये 1250 दिखा रहा है, बाकी में 1100 दिखा रहा है, 1100 दिखा रहा है, 1100 दिखा रहा है, 1100 दिखा रहा है, 1100, तो ये जो आपको 1200 दिखा रही है ये सेल ख़राब हो सकती है, यानी कि सभी में से एक अंतर होगा जो वो आपका सेल ख़राब हो सकता है। और उसके बाद बैटरी को चार्ज करके एक बार चेक करना होता है, हो सकता है मान लीजिए बैटरी आपकी सभी आपके एक पावर हो और किसी ग्राहक ने क्या किया होगा, उसमें पानी तुरंत डाल दिया हो,
पानी तुरंत डाल देगा उस पीरियड में, आपके एक सेल में आपको ग्रेविटी कम ही दिखाएगी, क्योंकि पानी डालने के बाद बैटरी डिस्चार्ज होता है, तो इसलिए आपको बैटरी को चार्ज करके चेक करना होता है। ठीक है, इसे आप मालूम कर सकते हैं बैटरी की ग्रेविटी कितनी है, बैटरी की वोल्टेज कितनी है। दोस्तों बैटरी चेक करने का तरीका यही है, पहले कभी भी अगर बैटरी बैकअप नहीं दे रही तो बैटरी ग्रेविटी चेक कीजिएगा। ठीक है, ग्रेविटी चेक करेंगे तो बैटरी के अनुमान लग जाएगी, अगर बैटरी फुल डिस्चार्ज दिखा रही है तो आपको बैटरी को चार्ज करनी होगी, बैटरी को कम से कम 24 घंटे चार्ज कीजिएगा, उस बाद में आपको फिर ग्रेविटी चेक करनी होती है। ग्रेविटी मान लीजिए 1250 हो गया है फुल चार्ज करने के बाद में, उसके बाद आपको बैटरी में लोड दे के चेक करना होता है। मान लीजिए बैटरी अगर आपकी 150 एम्पीयर की बैटरी है तो आपको कम से कम 400 वाट में आपका जो है चाहिए, यानी कि 2 घंटा आप बैकअप देने चाहिए, 15 मिनट देने चाहिए बैकअप। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट बैकअप देना चाहिए, वो भी 1 साल के लिए, 1 साल के बाद में आपको जो है 10% बैकअप कम हो जाएगी, यानी कि सभी बैटरी की जो है पर ईयर बैकअप कम होती जाती है, 10% मान लीजिए हर साल आपका बैकअप कम होती जाती है। तो मान लीजिए अगर 1 साल में आपको 2 घंटा बैकअप दे रही है कोई बैटरी फुल लोड पे, तो 1 साल बाद में उतनी लोड वो नहीं देगी, 2 साल बाद में और कम हो जाएगी बैकअप उसके। ध्यान देने वाली बात होती है, कभी बैटरी आप चेक करेंगे तो पहले बैटरी की ग्रेविटी चेक कीजिए, अगर ग्रेविटी कम है ठीक है उसको चार्ज कीजिए, चार्ज करने के बाद में कम से कम 24 घंटा चार्ज कीजिए, उसके बाद ग्रेविटी उठ जानी चाहिए, अगर ग्रेविटी उठ गई तो ठीक बात है, नहीं उठी तो समझे बैटरी आपकी ख़राब है। अगर मान लीजिए ग्रेविटी नहीं उठ के बैटरी गर्म हो रही है तभी बैटरी की सील ख़राब है। ठीक है, और उसके बाद में फुल हो जाने के बाद भी अगर आपको फुल ग्रेविटी दिखा दे रहा है उसके बाद आपको लोड डे के चेक करना होता है, अगर लोड डे के अगर बैटरी आपकी सही निकल जा रही है तो बैटरी ओके मानी जाती है। तो दोस्तों आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। Thank you.